प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम व्हाट्सएप बॉलीवुड। डॉक्टर का जो किरदार है, आप ऐसा हाँ। मानती हैं कि आपके ऊपर सबसे फिट बैठता है? सलमान खान की फिल्मों में हमने देखा आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, यहाँ हम देख रहे हैं आप एक डॉक्टर हैं जो नहीं, आई डोंट थिंक सो कि डॉक्टर का किरदार सबसे ज़्यादा फिट बैठता है। आई थिंक क्योंकि मैंने क्रिमिनल जस्टिस में लॉयर प्ले किया है, फाइनल कॉल में आई एम एन एयर होस्टेस, वॉर में आई एम एजेंट, पद्मावत में आई एम रानी, सो ऐसा कोई चीज़ नहीं है। आई डोंट फील दैट डॉक्टर का किरदार बहुत बैठता है। आई पिक अप एनी थिंग दैट एक्साइट्स मी, यू नो, एज अ रोल, और रोल की क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। आश्रम में मेरे किरदार की मुझे खासियत ये लगती थी कि इवन दो शी इज़ अगेन अ बोल्ड कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग, हु इज़ सराउंडेड इन एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस, और काफ़ी सारा हलचल है क्योंकि प्रॉब्लम्स चल रही हैं, दे आर ट्राइंग टू ब्रेक द नेक्सस एंड यू नो अनकवर द ट्रूथ, देर इज़ अ सेंस ऑफ स्प्राइटीनेस इन हर कैरेक्टर। उसके कैरेक्टर में एक इम्पल्सिवनेस है, एक थोड़ा सा चुलबुलापन है, ज़्यादा ओपिनिएटेड है, तो वो मेरे लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग था कि दोनों चीज़ों को साथ में रख के मुझे चलना था। तो जहाँ भी ये थोड़े लेड कैरेक्टर्स होते हैं और जहाँ एक डुअलिटी होती है कैरेक्टर में, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। वेब सीरीज में हम देखें तो बॉबी देओल जी हैं, इतना उन्हें एक जिस तरह से होंगी बाबा दिखाया गया है, लेकिन मैंने सुना है कि रियल लाइफ में वो ऐसे नहीं है, वो हाथ सिंपल है। कैसा तो बॉबी सर के साथ मेरा एक भी सीन नहीं था। आई इनफैक्ट मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग आवर सक्सेस पार्टी, व्हिच इज लाइक अ स्मॉल गेट टुगेदर वी केप्ट आफ्टर द लॉन्च, एंड बिकॉज इट हैड डन सो वेल, एंड दैट्स व्हेन आई फर्स्ट मेट हिम। वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, एंड मैं हरदम सुनती थी बिकॉज जब भी बॉबी सर होते थे और काफ़ी सारी कास्ट होती थी, वो हरदम साथ में थ्रू आउट चिल करते थे, मतलब हर दिन उनका एक वो कार्यक्रम होता ही था साथ में बैठ के चिल करने का। आई यूज़ टू हियर दो स्टोरीज, बट इट्स सच एन अमेजिंग कास्ट, एंड बॉबी सर इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, सिंपल, ह्यूमरस, एंड आई थिंक लाइक अ गुड सोल। आई थिंक दैट्स वाई दिस कैरेक्टर इज़ वर्क्ड सो वेल फॉर हिम, बिकॉज द कैरेक्टर इज़ नेगेटिव, बट हिम बींग अ वेरी पायस सोल वर्क्स सो ब्यूटिफुली फॉर इट, एंड आई थिंक ही इज़ डन अ फैब जॉब। वेरी लाइक अनयूजुअल कास्टिंग, यू नो, एंड इट हैज़ वर्कड वंडर्स। सो या, एंड द रेस्ट ऑफ द कास्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब एक से एक अच्छे उमदा यू नो एक्टर्स हैं। और जब मैं उनसे सब आती थी, आई थिंक हाफ ऑफ द एक्टर्स आई मेट अगेन ऑन द डे ऑफ यू नो द सक्सेस पार्टी। मैंने ज़्यादातर सीन्स करे थे दर्शन के साथ और विक्रम के साथ, और मे बी कभी राजीव था और साथ में कनुप्रिया थी, बट मोस्टली दीज 4-5 कैरेक्टर्स, एंड तुषार, आदिति, त्रिधा एंड मैनी अदर्स आई मेट प्राइमेरली, चंदन ऑल्सो, चंदन आई नो फ्रॉम बिफोर, बट आई मेट हिम मेट ऑल ऑफ देम प्राइमेरली ऑन दैट सक्सेस पार्टी, एंड देन वी हैड जूम कॉल्स एंड जस्ट यू नो टॉक्स वंस इन अ व्हाइल। सच अ चिल्ड आउट कास्ट, एंड एवरीबडी इज एट द सेम पेज, देयर वाज सो मच लव इन द रूम, सो मच अप्रिसिएशन एंड जस्ट हार्मनी, एंड 8-9 कैरेक्टर्स में जो इक्वल कैरेक्टर्स हैं ऑलमोस्ट, उनमें ये इस तरह की हारमोनी होना ना बहुत एक बहुत अलग बात है, डजेंट हैपन, बट देर वॉज सो मच हारमोनी एंड लव एंड सिंप्लिसिटी एंड जस्ट प्योर पैशन ऑफ वर्किंग टुगेदर एंड क्रिएटिंग समथिंग इन दैट वन रूम दैट टाइम। आई जस्ट फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ बींग अ पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ अ सीरीज। आप